लीनियर एलजेब्रा के एक हजार क्यू बेस्ड क्वेश्चन के सीरीज में ये लेक्चर टू है और यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो वो कहाँ तक किए थे देख लेते हैं एटीन नंबर जो यहाँ पर है यहाँ तक सॉल्व कर लिया था हमें ये करना है कंसिडर अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एन ऑवर डिटरमाइन सिस्टम सच ए सिस्टम एक सिस्टम के ऊपर जो सिस्टम डिजाइन किया गया है नॉन सिस्टम, वो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट होगा मैनी सोल्यूशन होंगे या इनकंसिस्टेंट होगा हैविंग नो सॉल्यूशन या ऑल ऑफ द अब इसमें से कौन सा ट्रू होगा तो इसको करने के लिए आ, हम देख लेते हैं कि क्या करना है हमें क्योंकि एक सिस्टम को हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम बताते हैं वो बताते हैं हम उसके रैंक वगैरह की हेल्प से या पाइवर्ट पॉजिशन की हेल्प से कि कितने पाइवर्ट पॉजिशन हैं वहां पर उसके हेल्प से हम बता देते हैं कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी तो यहां पर जो एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है वो तीनों ही केस उसके हो सकते हैं कि अगर रैंक कॉफिशेंट मैट्रिक्स और ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स के सेम है और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा उस केस में फर्स्ट चॉइस ट्रू हो जाता है कंसिस्टेंट हैविंग मेनी सॉल्यूशन ऑगोमेंटेड uh, मैट्रिक्स और कॉफिशेंट मैट्रिक्स का अगर रैंक सेम हो जाएगा लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल से तो वहां पर मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे हैविंग नो सॉल्यूशन इसका मीनिंग है ऑगोमेंटेड uh, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का जो रैंक है वो सेम नहीं होगा तो वो सिस्टम इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा ऑल ऑफ द द तो यहाँ पर ऑल ऑफ ये दाइट चॉइस होगा हमारा क्योंकि तीनों केस ट्रू है यहाँ पर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थर्टी नंबर से जो है वो आपके जीरो uh, आप सकते हैं लेट लैमडा आई एक्स आई बी एन आइगन पेयर ऑफ एन आइगन वैल्यूज एंड इट्स आइगन वेक्टर फॉर रियल मैट्रिक ए मैट्रिक्स ए लेट आई बी एंड एन बाई एन यूनिट मैट्रिक्स यानी कि ये करेक्ट साइज का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इज नॉट करेक्ट यहाँ पर फोकस करेंगे कौन सी करेक्ट नहीं है फॉर होमोजीनियस एन बाय एन सिस्टम यानी कि होमोजीनियस है और स्क्वेयर सिस्टम है लीनियर इक्वेशन ए माइनस लैमडा आई एक्स कि की एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स having a non trivial solution when the rank of a minus lambda i is less than n non trivial agar yahan par equal to n ho jayegi to ye ek unique solution hoga aur wo jo hoga homogeneous ke liye unique solution 0 0 0 hi hota hai जिसको हम trivial बोल देते हैं और non-trivial के लिए जरूरी है कि जो rank है ये less than n होनी चाहिए तो ये केस हमारा ट्रू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर होमोजिन के लिए पूछा था और नॉन ट्रिवियल के लिए तो वहां पर रैंक लेस देन होना चाहिए फॉर मैट्रिक्स ए रेस टू दावर एम ए रेस टू दावर एम अगर कोई मैट्रिक्स है अगर ए की जो आइगन वैल्यूज है वो लैमडा वन लैमडा टू या लैमडा थ्री इस तरह से दी गई है तो ए रेस टू दावर एम की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो जितनी पावर यहाँ पर है सेम आइगन वैल्यूज की उतनी ही पावर भी आइगन वैल्यू होगी टू पावर एम की लेकिन यहां पर उसने कहा है कि अगर लैमडा आई ए एम का कोई आइगन वैल्यू है तो एक्स आई एक्स आई रेस्ट टू तो दावर एम उसका आइगन करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर होगा ऐसा जरूरी नहीं है ये वाली स्टेटमेंट गलत है इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू इनवर्स यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू इनवर्स यहां पर देख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू इनवर्स इसका मतलब हुआ ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई ये कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की और हम जानते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो प्लस माइनस वन होती हैं ठीक है प्लस माइनस वन तो उसका जो मोड है यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू है एबसल्यूट फंक्शन वो उसका वन होगा इफ ए ए ट्रांसपोज इक्वल टू देन आई आई इज रियल फॉर ऑल अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए यानी कि सिमेट्रिक हो जाता है और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल तो इसमें ये ट्रू हो जाता है ये भी ट्रू ये भी ट्रू और ए भी ट्रू तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये था बी यही हमारी राइट चॉइस होगी इफ ए इक्वल टू टू वन फोर थ्री टू फोर थ्री जीरो फाइव एंड बीवल टू दिसन ए बी इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो टू बाई थ्री का है यहाँ पर इसका ऑर्डर थ्री बाई टू का है यानी कि इनर एंट्री सेम है प्रोडक्ट पॉसिबल है और इसका जो आउटपुट मिलेगा आउटकम इसका टू बाई टू आएगा तो यहाँ पर ऑप्शन सी ट्रू है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक ई एंड एफ इज जी मैट्रिक फॉलो ई एंड जी दिया है वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पर जो जी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्सिटी मैट्रिक्स जी आ जाता है एक तरह से तो बताना है कि जो एफ मैट्रिक्स है वो कौन सी होगी यानी कि इस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर यह मैट्रिक्स मिलेगा तो हम इसको पूरा कंप्लीटली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सिर्फ ये देख लेंगे की कि वन किस मैट्रिक्स के हेल्प से आ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम को कोस से करा कोस स्क्र और ये माइनस है तो माइनस साइन कभी वन वैल्यू नहीं देगा तो ये हमारी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पर देखिए कॉस है यहाँ भी कॉश है और यहाँ पर कॉस है एक साइन है तो कोस स्क्वेयर माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा यहां से भी बन नहीं मिलेगा तो यहां से अब इसको देखते हैं ऐसे तो कोस स्क्र प्लस साइन स्क्र क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो प्लस साइन स्क्स स्क्टा प्लस स्क्र थियेटा आइडेंटिटी फॉर्म हो गई यहां से मिल जाएगा आपका तो ये वाला ट्रू हो गया अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर कोस यहाँ पर साइन और यहाँ साइन यहां कोश इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा फर्स्ट एंट्री का तो इसमें जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो इससे फॉर्म होगी इफ डी वन डी टू आर टू डायगोनल मैट्रिसेस देन D1 D2 इज अ डायगनल मैट्रिक्स अगर कोई डायगनल दो डायग्नल मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी डायगनल होगा D1 D2 इक्वल टू D2 D1 यानी कि डायगनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूट कर सकते हैं बोथ ऑफ दी अव यानी कि A और B आर ट्रू D1 D2 डी टू मे और मे नॉट बी डिफाइन दो डायग्नल मैट्रिक्स ले लेते हैं हम अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ले, ले आइडेंटि टू और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं मे और मे नॉट डिफाइंड और पॉसिबल हो जाएगा अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें और एक डायग्नल मैट्रिक्स टू थ्री वन ये ले लें तो तब भी प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएगा तो यहां पर पॉसिबल नहीं है यहाँ पर पॉसिबल है तो ऑप्शन डी यहाँ पर ट्रू होगा इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द ए ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज में जो रोज है वो कॉलम बन जाते हैं और जो कॉलम है वो रोज बन जाते हैं तो यहाँ पर रोज जितनी है वो उतने कॉलम्स बन जाएंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर जो गिवेन है वो एन बायम है तो अब इसका चेंज होकर क्या हो जाएगा एम बाय तो ऑप्शन सी ट्रो हो जाएगा बिचो ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट यानी कि हम मैट्रिक्स थ्योरी को रिवाइज करते हुए अब ट्रांसपोज तक पहुंच चुके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की प्रॉपर्टीज आ रही हैं a प्लस बी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ज यानी कि सम का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है ये सही बात है ये करेक्ट बात है इसने कहा विच ऑफ दिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट तो ये करेक्ट है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू एक्ट का इक्वल होते हैं ऐसा नहीं है रिवर्स में यानी कि सॉक्सोर्स प्रॉपर्टी की आप इसको रिमेम्बर रख सकते हैं जैसे सॉक्सोर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब हम जूते पहनते हैं तो पहले मोजे पहनते हैं उसके बाद जूते पहनते हैं लेकिन जब हम जूते उतारते हैं तो पहले जूता उतारते हैं बाद में मोजे उतारते हैं तो यहाँ पर उसी तरह से फॉलो होता है जो लिखा हुआ है पहला मोजा एक तरह से जूता यहाँ पर ट्रांसपोज अगर करेक्ट इसका क्या होगा फिर जूता मोजा यानी कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है यहां पर के ए का ट्रांसपोज यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वो ट्रांसपोज का स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो ये स्टेटमेंट ट्रू है अगर यहाँ पर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता तब ये ट्रू नहीं होता है. यहाँ पर अगर बार होता है उसी केस में ट्रू होता द द द वैल्यू ऑफ दिस इज डी ट्रू है मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड इज दिस द दिसगनल मैट्रिक्स डी ऑफ ए तो अगर कोई मैट्रिक्स ए इस तरह से दी गई है तो उसकी डायग्नल मैट्रिक्स क्या होगा तो इसके डायगनल मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स है ए तो उसकी जो डायगनल मैट्रिक्स है वो आप निकाल सकते हैं इस तरह आ, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करती है जिसके करस्पोंडिंग आप एक डायगनल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं तो आप उस लॉन्ग प्रोसीजर मेथड से इसको चेक नहीं करेंगे इसका शॉर्टकट आपको ट्रेस से मिल जाएगा तो ट्रेस क्या होता है सम ऑफ द लीडिंग डायगनल एलिमेंट्स तो डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं उसका सम होता है तो यहाँ पर डायग्नल एलिमेंट्स हैं और यानी कि सम इसका थ्री हो गया यहाँ पर इसका सम देख सकते हैं ये मतलब डायगनल मैट्रिक्स तो है लेकिन इसकी डायगनल मैट्रिक्स है या नहीं है तो यहाँ पर इसका सम देखेंगे ट्रेस चेक करेंगे तो यहाँ पर है तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड यहाँ पर इसका ऑप्शन वो सॉरी ट्रेस वन आएगा यहाँ पर इसका जो ट्रेस है वो थ्री आ रहा है यहाँ पर भी ट्रेस थ्री है वन टू थ्री यहां पर थ्री है यहाँ पर आपका जो ट्रेस है वो डिफरेंट है तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफर इन द नेचर फ्रॉम द अदर अदर्थ मार्केट तो किसका नेचर अलग है यूनिट ट्राइंगर सिंगुलर और डायगनल तो यहां पर देख सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और डायगनल तो यूनिट मैट्रिक्स मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट होता है आपका वन 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 इस तरह से चलता है डायगनल uh, मैट्रिक्स वो भी इस, इसी तरह फॉर्मेट में चलता है ट्राइंगुलर वो भी आपका क्या तो इससे ऊपर ऊपर की एंट्री रहेगी या इसके नीचे नीचे की एंट्रीज रहेगी उसमें जीरोज और उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है तो यहां पर आपका जो आएगा यानी कि एक तरह से डायगनल इसमें इन्वॉल्व हो ही रहा है इसमें भी डायगनल इन्वॉल्व है इसमें भी डायगनल इन्वॉल्व है इसमें भी इन्वॉल्व है इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें नहीं है सिंगुलर मैट्रिक्स तो एक थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो वो सिंगुलर हो सकती है यानी कि ये वाला एक तरह से इनसे मैच नहीं करता उसके कैटेगरी से आउट हो जाता है दिस मैट्रिक्स इज अ टू बाई थ्री मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ यहाँ पर रियल रेशनल सब है तो ये आपका वन है ये आपका इरेशनल नंबर भी है तो यहां पर ये आर आर पर डिफाइंड है दिस दिस एंड इक्वल बॉथ इन एंड बी ऑन ऑफ दिस तो कंपेरेबल होने के लिए इसकी एंट्रीज नंबर ऑफ रोज में कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स में कितनी है यहाँ पर वन टू थ्री वन टू थ्री तो यहां पर ये यह, कंपेरेबल है इक्वल है यहाँ पर थ्री है तो यहां से भी थ्री आउट आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर वन है यहां से भी वन मिलेगा ये है सेवन सेवन एट यहाँ से भी एट मिलेगा, यह मिलेगा यहाँ से नाइन मिलेगा यहाँ से वन मिलेगा तो कंपेरेबल भी है इक्वल भी है बहुत ऑप्शन ए एंड बी नन ऑफ दिस तो यहां पर है दिस इज इक्वल टू तो यहाँ पर कोस को सभी मल्टीप्लाई कराएगा ये तो यहाँ कोस 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 थीटा साइन थीटा इस तरह से हो जाएगा प्लस साइन स्क्वेयर हो जाएगा तो कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर तो और इस तरह से फर्स्ट टेंट जो बनेगी आपके वन बनेगी तो यहाँ पर वन आएगा क्योंकि नंबर तो कभी ही नहीं सकता है, ये मैट्रिक्स ही बनेगा तो जो भी होगा ऑप्शन सी होगा इसका नेक्स्ट यहां पर दिया गया है इन द मैट्रिक्स इक्वेशन पी एक्स इक्वल के विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन सोल्यूशन फॉर द अन वैक्टर एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन के लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वो कंसिस्ट सोल्यूशन तो हो उसका सोल्यूशन हो मतलब कंसिस्टेंट हो और कंसिस्टेंट होने के लिए जरूरी है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और जो कॉफिशेंट मैट्रिक्स है आ, ये इधर जो राइट हैंड साइड में और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोल देते हैं जिसको हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है पी क्यू से और कॉफिशेंट मैट्रिक्स जो यहाँ पर गिवेन है पी उसको हमने कॉफिशेंट मैट्रिक्स के लिए यूज किया है तो यहाँ पर कहा है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पी क्यू मस्ट द सेम रैंक एज मैट्रिक्स पी एट लीस्ट सोल्यूशन के लिए ये तो जरूरी है ही वैक्टर क्यू मस्ट है मैट्रिक्स पे मस्ट बी सिंगुलर अगर सिंगुलर हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि उसका जो ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स है उसका क्योंकि ये सिंगुलर हो गया तो उसकी रैंक ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है अगर लास्ट एंट्री वहां पर अगर जीरो आ गई यानी कि जो टॉप सॉरी टॉप बॉटम तो ये बॉटम एंट्री अगर यहाँ पर कोई नॉन जीरो है और यहां पर तो जीरो आएगी ही क्योंकि उसने कहा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स ये कॉफिशियंट मैट्रिक्स और उसके साथ यहाँ पर लिया कोई नॉन जीरो एंट्री ले लो यहाँ पर तो यहाँ पर इसको जीरो ले लो तो जीरो 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 अगर इस तरह से ये बन गया तो यहाँ पर उसका जो डिटर्मिनाट है वो सिंगुलर हो जाएगा यानी कि नॉन जीरो हो जाएगा सॉरी जीरो हो जाएगा और तब मैट्रिक्स पी जो है वो सिंगुलर हो जाएगा उस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा मैट्रिक्स पी मस्ट बी स्क्वेयर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ठीक है तो इसका ऑप्शन ए ही ट्रू था तो अभी के लिए स्टॉप कर देते हैं